नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं किम जोंग उन की। जी हाँ, एक और खबर, एक और ऐसी खबर जिसको लेकर के आप हैरत में इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ये किम जोंग उन की तरफ से नॉर्थ कोरिया में किया जाता रहा है, और प्योंगयांग ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर कोरिया में इससे दहशत रहती है। दरअसल एक बार फिर उसी तरह की घटना सामने निकल कर आई है जिसके बाद ये कहा जाता है कि कितना उत्तर कोरिया का जो तानाशाह है वो कितना क्रूर है और कितना विभत्स है, उसे जरा इस तरह से समझिए कि विदेशी रेडियो जो सुनने की सजा है वो एक बोट के कप्तान को दे दी गई। उसे तकरीबन 100 लोगों के सामने गोलियों से भून दिया गया, वो इसलिए क्योंकि वो एक विदेशी प्रतिबंधित रेडियो स्टेशन सुन रहा था और उत्तर कोरिया में इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। जो गवर्नमेंट के द्वारा आमतौर पर आप वहां पर देखते हैं कि जो केसीएन न्यूज़ है उसकी तरफ से ही सारी की सारी जानकारी सामने निकल कर आती है, किम जोंग उन किसी भी तरह का कोई भी परमाणु बम का परीक्षण करे या किसी भी तरह की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करे, कोई भी टेस्ट हो, उसकी जो जानकारी सामने निकल कर आती है वो वहाँ की सरकारी मीडिया से ही सामने निकल कर आती है। इसके अलावा कुछ जो रिजर्व चैनल्स हैं जिनको सुनने की इजाज़त है, देखने की इजाज़त है, उसके अलावा अगर कोई किसी और फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करता है, कोई और प्रतिबंधित चैनल को देखने का काम करता है, तो फिर उसको क्या सजा मिलेगी, ये किम जोंग उन ने एक बार फिर से बता दिया है। तमाम लोग वहां पर मौजूद थे और ये कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था, इसके पास तकरीबन 50 से ज्यादा शिप्स थे वहां पे, ये बताया जा रहा है। और इसके साथ साथ इकोनॉमिकली बहुत साउंड था, आर्थिक रूप से बहुत संपन्न था, लेकिन इस सारी चीजों के बावजूद भी, इन सारी चीजों के बावजूद भी उसे गोलियों से भून दिया जाता है ताकि ये मैसेज स्ट्रेट फॉरवर्ड पूरे के पूरे उत्तर कोरिया में पहुंचाया जा सके और दुनिया भर में भी ये संदेश जाए कि उत्तर कोरिया में सिर्फ वही होता है जो वहां का तानाशाह किम जोंग उन चाहता है, इससे इतर और कुछ भी नहीं। और यही इस खबर से भी सामने निकल कर आ रहा है। आपको कैसी लगी है खबर कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को देखने के लिए।